नमस्कार प्रणाम, मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं क्या है आज की फिल्मी खबर। तू है लाजवाब, तू है लाजवाब, ये तू है। नहीं, ये एक्चुअल में फिल्म नहीं है, लगी चूँकि ऐसा फिल्म का एल्बम का टाइटल बना है सर, तो लगता है कि ये फिल्म है। बट ये है कि जो गाने इसके बने हैं वो फिल्म से कम नहीं है। टाइटल है लगी तेरी आशिकी और सारिका सुमन प्रोडक्शन का ये एल्बम है। और इस एल्बम से हमारे पंकज राठौर जी बॉलीवुड में एंट्री ले रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त सिंगर हैं। और वैसे ये बिहार से हैं, मुंगेर ज़िला से बिलोंग करते हैं और मैं इनके साथ काम करने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। और लता मंगेशकर के स्टूडियो में आज बहुत सारे लोग आए हुए हैं, हमारे एक सिंगर हमारे भाई छोटे अनुराग मौर्य और हमारी सिस्टर जोया खान जी जो इसमें लीड कर रही हैं, इसमें लीड जो कर रहे हैं आज हीरो धनंजय सिंह हैं और आदित्य राय हैं। और इस मुबारक मौके पर हमारे प्रोड्यूसर सादिक रैन साहब हैं, नीलेश नान जी गंगर जी हैं और मैं खासकर अपने सारे मीडिया वाले भाई का शुक्रिया अदा करता हूं और ख़ासकर हमारे अखिलेश भाई जो बहुत मेहनत करते हैं और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं इस मुबारक मौके पे। हमारी टीम में जैसे हमारे साथ जो जुड़े हुए हमारे बच्चे अमन हैं, उनकी पूरी टीम है, सब बहुत मेहनत किया और काफ़ी अच्छा रिकॉर्डिंग हुआ है। पंकज जी, आपसे जानना चाहूँगा। वैसे मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है ये और जहाँ तक मैं ये बताना चाहता हूँ कि बॉलीवुड में जो मुझे ब्रेक मिला है वो हमारे जो आदरणीय म्यूजिक डायरेक्टर अफरोज खान सर हैं, इन्होंने मुझे पहचाना, मेरी आवाज़ को पहचाना और इन्होंने ये फैसला किया कि हम मौका देंगे। तो मैं देखता हूँ आगे, आप मीडिया कर्मी के थ्रू मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ समस्त देशवासियों को कि आशीर्वाद दें और मुझे मौका दें कि मैं आगे जो है अच्छा करके दिखाऊंगा। नहीं, एक्चुअल में सारिका सुमन प्रोडक्शन से बात चल रही थी तो उन्होंने बोला कि नई आवाज़ की ज़रूरत है, तो फिर पंकज जी मेरे कांटेक्ट में थे तो मैंने बोला, फिर इनसे बातचीत किया तो बोले कि ठीक है सर, जैसा अच्छा होगा। तो ये है कि भाई सारिका सुमन का भी बहुत बधाई है उनके लिए कि भाई एक नए सिंगर्स को प्रमोट करें और बॉलीवुड में हमेशा एक रहा है कि नए सिंगरों को ये मिलता है रिस्पेक्ट। और मेरे साथ तो आप लोग सभी जानते हैं, हमारे सब पुराने भाई बैठे हुए मेरे साथ जो इंटरव्यू कर रहे हैं, कि मेरा नए के साथ पुराने के साथ नए में भी बहुत मज़ा आता है मुझे काम। जी, मैं बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छे से गाया है हमारे पंकज जी ने, बहुत अच्छा सॉन्ग गाया है, हमारे अफरोज खान जी ने लिरिक्स म्यूजिक दिया है, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा एल्बम होगा, लोग देखेंगे। अपने भाई जैसा मानते हैं अफरोज जी, इनके फिल्मों का जब भी रिकॉर्डिंग होता है या कोई भी एल्बम के लिए कुछ हो तो एक अलग ही एक माहौल होता है रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, अमूमन काफ़ी सीरियस माहौल होता है सिंगर कोई, खासकर जब कोई नया सिंगर, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है। इनके साथ मतलब काम तो होता है लेकिन उस काम में मज़ा बहुत आता है। तो मैं इनके बुलाने पर आया हूँ और मैं पंकज राठौर जी को बेस्ट विशेज इनको देना चाहूँगा। इनका जो पहला डेब्यू ये कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि बहुत अच्छा ये गाना बाहर निकल कर के आया, लोगों को काफ़ी पसंद आया, बहुत अच्छा म्यूज़िक किया इन्होंने। मैंने जब क्या होता है कि कोई नया एल्बम रहता है ना तो चीज़ें बहुत कुछ दिमाग में चलती रहती है, कौन सिंगर है, लेकिन मैंने जब आ करके गाना सुना, इन्होंने हालांकि बताया था कि गाना आपको आना है, और मैंने जब आया और मैं सुना गाना, लाजवाब, मतलब क्या सर, क्या म्यूज़िक किया है आपने। और जिस तरह से ये ट्रीट करते हैं ना नए आर्टिस्ट लोगों को, नए हम जैसे कलाकारों को, तो हौसला इतना बढ़ जाता है। और अगर चीज़ें अगर आप 20% 30% 50% डिलीवर करने वाले तो वो अपने आप 100% डिलीवर होता है। कि आज यहाँ लता मंगेशकर जी के स्टूडियो में आया हूँ और ये काफ़ी मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि सारिका सुमन प्रोडक्शन से मुझे ये मौका मिला, इन्होंने मुझे काबिल समझा कि मैं ये गाने पर एक्ट कर सकूँगा। और इसके जो सिंगर हैं पंकज जी, काफ़ी अच्छा इन्होंने गाया है, बहुत अच्छा अफरोज भाईजान ने म्यूज़िक बनाया। इसके जो राइटर हैं नवाब आरजू जी, जिनको हम बचपन से देखते आए, उनके गाने सुनते आए, आज उनके लिखे हुए गाने पर एक्ट करने का मौका मिलेगा, बहुत ही अच्छा फीलिंग है। तेरी आंखों से पी लूं शराब, तेरी आंखों से पी लूं शराब,
मुझे पी के बहक जाने दे, तेरे होठों के खिलते गुलाब छू के छूने दे, बहक जाने दे, तुझ पे छाने लगा से शबाब, तुझ पे छाने लगा है शबाब, तू है लाजवाब, तू है लाजवाब, तू है लाजवाब, तू है लाजवाब। क्या बात है सर, सर आप कोई गाना अपना सुनाना चाहेंगे जो पुराना पसंदीदा जो आपको हाँ आप लोगों का फरमाइश है? रफी साहब के बहुत बड़े भक्त हैं रफी साहब के। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। मौके पे मैं हमारे बड़े भाई माननीय श्री अफरोज खान जी, जो कि बहुत ही अच्छे फिल्म इंडस्ट्री में म्यूजिक डायरेक्टर है, और इस मौके पर इनको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ कि एल्बम हिट हो। हमारे भाई इसी प्रकार से फिल्म इंडस्ट्री में आगे काम करते रहे, यही मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। वाह सर, आप क्या कहेंगे? फिल्म, क्राइम, राजनीति और धर्म से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द स्टार न्यूज़।